वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे जनवरी महीने के सभी इम्पोर्टेंट डेट्स बारे में जो आने वाला सभी एग्जाम के लिए काफ़ी गुरुत्वपूर्ण है। हम कुछ फैक्ट के साथ इसको समझेंगे और याद करेंगे, कभी कोई भूल नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 1 जनवरी, आप सभी जानते हैं 1 जनवरी को हम न्यू ईयर रूप में मानते हैं। इस 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे भी हम मानते हैं और नागालैंड डे भी हम मानते हैं, ये भी याद रखिए। ये इसको किससे याद करेगा ना, आप सभी जानते हैं 1 जनवरी में हम सब पिकनिक में जाते हैं, इसलिए हम 1 जनवरी न्यू ईयर में हम हमारा फैमिली के साथ पिकनिक करने के लिए पिकनिक भोजी करने के लिए नागालैंड गए, इसलिए याद रखिए 1 जनवरी नागालैंड डे, ग्लोबल फैमिली डे, न्यू ईयर डे। न्यू ईयर रे हमारे फैमिली के साथ हम कहाँ गए भोजी करने के लिए, नागालैंड गए, इसलिए 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, न्यू ईयर और नागालैंड डे, इसको याद रखिए। नेक्स्ट 4 जनवरी, 4 जनवरी लुइस वैली डे, ये वेरी इजी है। लुइस वैली आप जानते हैं जो लुइस वैली का बर्थडे है 4 जनवरी, इसलिए हम 4 जनवरी को लुइस वैली डे भी मनाते हैं। आप जानते हैं लुइस वैली जो अंधा पीपल के लिए जो वैली लेटर उद्भावन किया था। नेक्स्ट 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, ये भी याद रखिए 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, 6 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8 जनवरी, इसे याद रखिए 8 जनवरी अफ्रीकन कांग्रेस फाउंडेशन डे, ये भी याद रखिए 8 जनवरी में अफ्रीकन में कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस बा NRI डे। नेक्स्ट 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस, 11 जनवरी वर्ल्ड लैपटॉप डे, 12 जनवरी नेशनल अर्थ डे। इसको सभी आप कैसे याद रखिए ना, आप इसे याद रखिए 8 जनवरी जो अफ्रीका नेशनल कांग्रेस डे है, अफ्रीका में महात्मा गांधी जब थे साउथ अफ्रीका में, यो 8 जनवरी को अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस डे प्रतिष्ठा किया। इसके बाद 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौट आए, कब ना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए, इसलिए इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस बा NRI डे मानते हैं, क्योंकि ना महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत लौटे आए थे। नेक्स्ट 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस, जब महात्मा गांधी भारत लौटे आए थे तब हिंदी में भाषण देना शुरू किया था। 9 जनवरी को लौटे आए भारत और 10 जनवरी को इसे भाषण देना आरंभ किया, इसलिए हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदी में भाषण देना शुरू किया। नेक्स्ट 11 जनवरी वर्ल्ड लैपटॉप डे, वर्ल्ड लैपटॉप डे क्यों ना, जब महात्मा गांधी हिंदी में भाषण देना शुरू किया सभी मन में, सभी लोगों के मन में एक नई आशा ही भारत ने स्वाधीन हो पाएगा, इसलिए 11 जनवरी को हम लैपटॉप डे माने सभी लोग खुशी में हंसने लगा है, कैसे ना 11 जनवरी जब महात्मा गांधी 10 जनवरी को हिंदी में भाषण दिया सभी लोग सुनकर 11 जनवरी को हंसने लगा है, इसलिए 11 जनवरी को वर्ल्ड लैपटॉप डे, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट 12 जनवरी नेशनल यर्थ डे, आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को नेशनल यर्थ डे, इसके मतलब क्या है ना महात्मा, इसके समझे 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि होता है, इसलिए 12 जनवरी को हम नेशनल यर्थ डे मनाते, सॉरी विवेकानंद, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है, इसलिए इसको हम नेशनल यर्थ डे मनाते। इसको आपके शेयर याद रखें ना, सभी लोग जब 11 जनवरी को हंसने लगाए नई आशा के साथ, इसलिए सब जो नेशनल यर्थ सब यर्थ क्या करेगा, जो भारत आंदोलन में 12 जनवरी में यो भी शामिल हो गई, इसलिए नेशनल यर्थ डे 12 जनवरी को हम मनाते हैं। ये फैक्ट है, लेकिन रियल क्या है ना, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हो, इसलिए इसको मनाते हैं। नेक्स्ट 15 जनवरी, 15 जनवरी ये वेरी सिंपल आर्मी डे, आर्मी भी भारत आर्मी जो संदर्भ में था, ये भी 15 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम में अंशग्रहण किया, इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाता है, ये फैक्ट है याद रखिए। नेक्स्ट 23 जनवरी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार पहली बार 2021 में हम पराक्रम दिवस पालन स्टार्ट किया, नेताजी जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे में पराक्रम दिवस अब फर्स्ट टाइम 2021 में पालन किया, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, बिल्कुल लीजिए 24 जनवरी को याद रखें नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। नेक्स्ट 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे,
नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को दो इम्पोर्टेंट डे होता है, क्या ना नेशनल टूरिस्ट नेशनल वोटर्स डे एवं नेशनल टूरिज्म डे, याद रखिए 25 जनवरी नेशनल वोटर डे, नेशनल टूरिज्म डे। इसके बाद 26 जनवरी आप जानते हैं रिपब्लिक डे। नेक्स्ट 30 जनवरी, 30 जनवरी को हम क्या कहते हैं ना मातृस डे, मातृस डे क्या कहते हैं महात्मा गांधी डेथ डे। जनवरी 30 को महात्मा गांधी को गोली मारकर नथुरामगढ़ से ने मारा दिया था, इसलिए महात्मा गांधी 30 जनवरी में मरने के कारण में इस दिन को हम MRI डे बा सॉरी मातृस डे बा मातृस डे हम मनाते हैं। धन्यवाद फ्रेंड, इसी तरह न्यू एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर